क्लास में रहेगा वो रहेगा कर्तव्य। कर्तव्य से पहले जो आपका चैप्टर था उसमें अधिकार और कर्तव्य का वर्णन है। अधिकार वाला टॉपिक हम पहले वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं और अब टॉपिक चल रहा है कर्तव्य। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि कर्तव्य, हम कर्तव्य कहते किसे। ठीक है, तो कर्तव्य किसी विशेष कार्य को करने या ना करने के संबंध में व्यक्ति की उत्तरदायी कर्तव्य कहा जा सकता। क्या कहा जा सकता? कि जो व्यक्ति है या किसी विशेष कार्य को करने या ना करने के संबंध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व कर्तव्य कहा जा सकता है। अगर इन्हीं को हम दूसरे शब्दों में डिफाइन करें तो व्यक्ति या जिन कार्य को के संबंध में समाज एवं राज्य सामान्य रूप से व्यक्तियों से यह आशा रखे या करती है कि उसे वे कार्य करने चाहिए, वे ही व्यक्ति के कर्तव्य कहे जा सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कहे जा सकते हैं। और कर्तव्य जो है वो दो प्रकार से है, जैसे व्यक्ति के पास एक नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य। दो प्रकार के व्यक्ति के पास कर्तव्य दिए, व्यक्ति के लिए दो प्रकार के कर्तव्य दिए जाते हैं, एक तो है नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य। ठीक है, भारतीय संविधान की बात की जाए तो इसमें भी व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य दिए, जैसे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और जो नैतिक कर्तव्य है कि व्यक्ति की नैतिक प्रवृत्तियां या अनैतिक प्रवृत्तियां के माध्यम से की जाए। ठीक है, और जो नैतिक प्रवृत्ति होती व्यक्ति की या विशेषता होती और अनैतिक विशेषता होती, जैसे इसमें कोई अच्छा कार्य करना है ना, किसी के दूसरे के हित का कार्य करना, ये सब प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है नैतिक कार्य में किसी दूसरे का भलाई के लिए कार्य करना है, दूसरे प्राणी की भलाई के लिए कार्य करना, ये सब कैसा है? नैतिक कार्य, जो स्वेच्छा से कार्य करते हैं। नैतिकता, अपने अपने नैतिकता नैतिकता के द्वारा कोई कार्य करे तो वो कैसा कार्य कहलाएगा? नैतिकता। इस पर कोई दबाव नहीं है कि आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहता नैतिकता। ठीक है, अर्थात आप अगर ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं, या फिर आपसे कोई ऐसा नहीं कह सकते कि आप दूसरे के लाभ के लिए कार्य करना है, ऐसा तो आपके लिए कोई प्रावधान नहीं। आपकी जो नैतिक कर्तव्य है वो आपको करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, अर्थात अगर नहीं करेंगे तो इस पर कोई दंड नहीं। ठीक है, और अब बात आती है कानूनी कर्तव्य। कानूनी कर्तव्य एक ऐसा कर्तव्य है कि आपको करना ही पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी इच्छा है नहीं करना, इच्छा अनुसार तो आप नैतिक कर्तव्य कह सकते। कानूनी कर्तव्य में तो आपको जो कर्तव्य दिए गए हैं वो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य द्वारा आपको भारतीय संविधान की धारा है तो आपको उसके पनिशमेंट मिलेगी या फिर दंड मिलेगी। ठीक है, तो जो कानूनी कर्तव्य है उनको आपको करना कैसा है? अनिवार्य है, अर्थात जो कानूनी कर्तव्य है वो आपको करना ही पड़ेगा। और जो नैतिक कर्तव्य है वो स्वेच्छा की बात है, आप करेंगे तो करो, नहीं करते तो आपको कोई दंड का प्रावधान नहीं है। जैसे कानूनी कर्तव्य की बात किया तो भारतीय संविधान में मौलिक, जब मौलिक संविधान था तो कोई प्रावधान नहीं था जिसका मौलिक कर्तव्य, मौलिक जो मूल संविधान है उसमें कोई प्रावधान नहीं था किसका मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य नहीं थे उस समय था सिर्फ मौलिक अधिकार थे किसमें, संविधान। और अब बात आती है कि जब फिर ये जोड़े करते हैं तो सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे अनुच्छेद 51 काम है जोड़कर सम्मिलित किया गया। किसको? 51 काम है इसको जोड़कर सम्मिलित कर दिया। और जिस समय जुड़ा उस समय भी जो मौलिक कर्तव्य थे वो आपके कितने थे? 10। लेकिन वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य आपके कितने हैं? 6। क्या कितने हैं? 11। मौलिक अधिकार ने
सन 1976 में, और इसे जोड़ने पर जब जोड़ा गया था उस समय हमारे कर्तव्य थे 10, लेकिन जैसे ही आगे प्रतिक्रिया की संविधान आगे एक संशोधन और करके उसके माध्यम से आज वर्तमान समय में क्रियाटी के मौलिक कर्तव्य है कितने 11 ठीक है। तो 11 कर्तव्य आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं, और मौलिक कर्तव्य में जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत इनको भारतीय संविधान में सम्मिलित कर दिया गया। इसमें भारतीय संविधान में सम्मिलित कर दिया गया था, यदि याद रखें कि भाग भारतीय संविधान के भाग आप तीन पहले पढ़ चुके थे, और आज आपके भाग चार का वर्णन है। भाग चार में अनुच्छेद 51 व्यक्ति के उत्तरदायित्व कर्तव्य कहा जा सकते कहे जा सकते, या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जिन कार्यों के संबंध में समाज या राज्य सामान्य रूप से व्यक्ति का व्यक्ति से यह आशा करते हैं कि उसे पे कार्य करने चाहिए, या वे ही व्यक्ति कर्तव्य या व्यक्ति के कर्तव्य कहे जा सकते हैं। और जो व्यक्ति के कर्तव्य हैं वो दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं, जैसे नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत व्यक्ति के वे कर्तव्य आते हैं जो व्यक्ति कैसे करते हैं अपनी प्रवृत्ति के द्वारा, जैसे अपनी प्रवृत्ति जो अपनी विशेषता होती है, किसी का भला कार्य करना है ना, किसी दूसरे प्राणी की भलाई के लिए कार्य करना है, इस पर कोई दबाव नहीं रहता कि आपने इसकी भलाई के कार्य करो, इस पर कोई दबाव नहीं। जैसे शब्द बोलना, उदाहरण के लिए जैसे शब्द बोलना, दूसरा व्यक्ति आपसे ये तो कह नहीं सकता कि आप शब्द बोलो, ये मालूम करें कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे, वो तो आपकी स्वेच्छा है कि आपको अच्छा बोलना है या सही बोलना है या नहीं, या दूसरे व्यक्ति को मालूम है कि आप अच्छे से सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, वो आपकी स्वयं की प्रवृत्ति है, विशेषता है कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ये आपकी नैतिक कर्तव्य है। कैसा है? नैतिक कर्तव्य। इसी जगह अगर कानूनी कर्तव्य आ जाए तो इस कानूनी कर्तव्य में आप कोई भी कार्य कोई भी कर्तव्य अगर कानूनी कर्तव्य आप कर रहे हैं तो उसमें आपको करना अनिवार्य है। उसमें ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मेरे काम का एक कर्तव्य नहीं करना, तो ये बिल्कुल प्रावधान ही है। अगर आप कानूनी कर्तव्य नहीं करते हैं और दिया गया है, जैसे आपसे कानूनी कर्तव्य जैसे मान लिया जाए कि राज्य के प्रति भक्ति या फिर कानूनों का पालन ना करना, तो ऐसा अगर आप कानूनों का पालन करना आपका एक कर्तव्य है, अगर आप नहीं करते तो आपके लिए उस राज्य में दंड का प्रावधान है, ठीक है। और ऐसे ही आपके मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य में अगर किसी भी कर्तव्य का आप पालन करते हैं, अगर आप उसका भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो आपको दंड दिया जा सकता है, दंड का प्रावधान किया गया है। इसीलिए ध्यान रखें कि कानूनी कर्तव्य जो है वे आपके ऐसे कर्तव्य हैं जिनको आपको करना अनिवार्य, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन आपको वो कार्य करना ही। जैसे राष्ट्रपति का कार्य, जैसे राष्ट्रपति का कार्य राष्ट्रीय गान का सम्मान या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, ये सब आपको करना अनिवार्य है, नहीं करते तो आपके लिए भारतीय संविधान द्वारा दंड का प्रावधान है, ठीक है। ये वे कार्य जो कानूनी रूप से दिए गए हैं उनको आपको करना अनिवार्य है, अगर नहीं करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसके लिए सजा का प्रावधान रखा गया है। उदाहरण के लिए जैसे हमने बता दिया राष्ट्र के लिए कार्य करना, राष्ट्र का सम्मान करना, देश के राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना या राष्ट्रीयता का सम्मान करना, ये सब संप्रभुता बनाए रखना, ये सब चीज कैसे आपके कर्तव्य है, राष्ट्र के राज्य के हित का कार्य करना, ये सब आपके कार्य कर्तव्य मूल जो मुख्य कर्तव्य है, अगर आप नहीं करेंगे तो इसके प्रति आपका क्या है, दंड का प्रावधान। यहाँ रखें बस जैसे मौलिक कर्तव्य दिए गए, इसीलिए 11 कर्तव्य है वर्तमान समय, उन कर्तव्यों को सभी मानते हैं और उनका पालन भी करते हैं, और क्रमबद्ध आप उदाहरण में देख के लिया, जैसे राष्ट्रीय पद आपके लिए बनाए जाते हैं तो उसमें आप देखते हैं ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का जो है और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, ये सब प्रक्रिया आप करते हैं, नहीं करते हैं? जी सर।
कार्य करना करते हैं सभी लोग, राष्ट्र की सेवा करना, ये सब कार्य सभी व्यक्ति स्वेच्छा से करते हैं। लेकिन अगर आप इनको नहीं करेंगे तब भी इस पर कैसा है दंड का, क्योंकि ये आपके कैसे कर्तव्य है, कैसे कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य। ठीक है, अब बात आती है कि जो आपके जितने भी हमने कर्तव्य बता दिए हैं और भारतीय जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो गण किया गया है वो कौन से आर्टिकल्स के तहत किया गया, 42वें आर्टिकल्स में या 42वें संविधान संशोधन के, ध्यान रखेंगे 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत सन 1976 में सम्मिलित किए गए या जोड़ दिए गए। किसको जोड़ा गया, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। क्लियर, हमने आपको एक दो बार बता दिया गया है, अब आपको एक भी टॉपिक भूलना नहीं है। यस, जिसके पास जो कॉपी पेन लिए हैं वो नोट कर लेंगे इनको और ऐसा समझेंगे कि ये मोस्ट टॉपिक है। आपका चैप्टर में दो प्रकार की एक अधिकार दिए थे, कर्तव्य दिए थे और आज आपका चैप्टर समाप्त है, ध्यान रखना। जिसमें हमने पहले पार्ट में आपको अधिकार का डिफाइन किया और भारतीय संविधान के टाइप की बताया कि भारतीय संविधान में भाग 3 में आपको अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार से हमने कर्तव्य बता दिया है, कर्तव्य में आपको बताया गया है कि कर्तव्य की परिभाषा ये सब बता दिए गए हैं और ये भी बता दिया है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है और दो प्रकार के कर्तव्य हैं जिनमें से आप नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य का डिफाइन किया है। कानूनी कर्तव्य में हमने आपको भारतीय संविधान के भाग 4 का डिफाइन करके बताया कि आपकी जो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 काम है इनको सम्मिलित किया गया सन 1976 में। ठीक है, यही तिथि थी अमेरिका, इसी तिथि के मतलब सन 1776 में अमेरिका का स्वतंत्र वर्ष है और इसी तिथि के अनुसार आपके ईयर चेंज है, मतलब कहने का मतलब है 1776 ईस्वी अमेरिका का स्वतंत्र वर्ष है 4 जुलाई 1776 और 1976 में आपकी क्या जोड़ी गई थी संविधान मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान। ठीक है, तो अब बात के टॉपिक जो है अपना यहाँ पर मौलिक जो आपके कर्तव्य से संबंधित बात की ये हमने आपको डिफाइन करके बता दी है। अब बात आती है कि इसके बाद आपका टॉपिक जो चैप्टर था वो खत्म हो गया है, अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। ध्यान रखें कि एक एक टॉपिक आपको क्लियर करते जाना है, जो यहाँ आप नहीं हो पाते हैं वो वीडियो के माध्यम से अपनी क्लास को कंप्लीट करते जाए। ठीक है।